नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर बिहार पर। बिहार में प्रशांत किशोर जल स्वराज यात्रा निकाले हुए हैं और इस यात्रा के दौरान गांव-गांव पे जाकर जो है वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और लोगों की उस जन भावना के ऊपर जो है उनके सोच के ऊपर प्रहार कर रहे हैं कि क्या सोचकर आप लोग मतदान कर रहे हैं, कैसे आपके नेता होने चाहिए। और इसी क्रम में लगातार वो तेजस्वी यादव हो या फिर नीतीश कुमार हो, उन लोगों के ऊपर जमकर बरसते हैं। इसी क्रम में उन्होंने अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए नीतीश कुमार के उस पुराने समाधान यात्रा पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी यात्रा पर निकला हुआ हूं, जो है मुझसे कोई मिलना चाहे तो किसी प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है, बातें कर सकता है और अपनी समस्याओं को कह सकता है। और मैं पैदल चल रहा हूं इतने समय से, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं जो है फाइव स्टार होटल या किसी अन्य जगहों पर रह रहा हूं, मुझसे मिलना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार भी यात्रा निकाले थे, वो अपने चौबंद और जो उनके साथ सिक्योरिटी लगी हुई है उससे हटकर वो भी एक यात्रा करके देख लें क्या हाल होता है। जरा भी सुनिए कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। कि एक दिन रैली करने चले गए, एक दिन चुनाव लड़ रहे हैं, 18 महीना से घर परिवार छोड़कर पद यात्रा ही कर रहे हैं, गांव में ही रहते हैं। आप देख रहे हैं, यहाँ आपसे भी मिलने आए हैं तो किसी होटल सर्किट हाउस में नहीं गए हैं। और दूसरा, इस पूरी व्यवस्था में कोई सुरक्षा, कोई सिपाही, कोई हवलदार नहीं है, गांव गांव पैदल ही जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चाहे वो आकर मिल सकता है, बात कर सकता है, धक्का दे सकता है, गाली दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है। ये फर्क है। ये जो लोग पदयात्रा जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले भी कहा था, नीतीश कुमार ने एक यात्रा की थी, इनको खुली चुनौती दे रहे हैं कि अपने अगल बगल सुरक्षा ये हटा दें और किसी एक गांव पंचायत में पैदल चल के दिखा दें। इनका दम नहीं है कि एक पंचायत या एक गांव में बिना सुरक्षा के, बिना अपने लाभ का दल बल के एक गांव में ये लोग चल के दिखा दें। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है ना भाई, उनको खुली चुनौती मैंने दे रखी है कि आप एक पंचायत में खाली पैदल चल के दिखा दीजिए। मेरे भाई, इनका दम नहीं है। हम 18 महीना से गांव में ही चल रहे हैं, बिना किसी सुरक्षा के चलते हैं, सरेह में ही सोते हैं और 18 महीना से कर रहे हैं। हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोग के पास गए हैं, सब ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है, सब ने कहा कि नहीं, जो आप प्रयास कर रहे हैं वो ठीक है, वो हमको वोट दे, हमको माने, हमको पसंद करे, वो अलग बात है। लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है कि न भैया आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, इसको मत कीजिए। जिस गांव से भी गए हैं वहां पर लोगों ने यही कहा, न भैया प्रयास तो आप ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं। ये फर्क है। तो सुना आपने कि प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी समाधान यात्रा निकाली थी बिहार में, जो है जब महागठबंधन की सरकार थी, तो उसी यात्रा के ऊपर जो है निशाना साधते हुए नीतीश कुमार को प्रशांत किशोर ने लपेट लिया है। खैर, आपकी क्या राय है इस पे, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।